पांच टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 195 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 173 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने किया, ताहम दूसरे ही ओवर्स में साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान भी 7 रन के मेहमान साबित हुए। 2 विकेटें जल्द गिरने के बाद फखर जमान और बाबर आजम ने टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और फखर जमान 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आजम खान भी 2 रन बनाकर छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। बाबर आजम ने मुसलसल दूसरे मैच में निस सेंचुरी स्कोर की और वो 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी ने भी 22 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से एडम मिलने ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सेंसियर अश सोडी और टिम साउथी के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 खेलने वाली टीम को ही बरकरार रखा है। पाकिस्तानी टीम में कप्तान शाहीन अफरीदी के अलावा मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। याद रहे कि पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त दी थी। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है।